नोएडा में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। बता दें कि कल एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द मारे गए थे। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ऐसे में लगातार सर्च ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। आपको बता दें बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। इसी के साथ साथ नोएडा में आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि दहशतगर्दों को ढूंढने की तलाश लगातार की जा रही है। इसमें ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहीं कल एनकाउंटर में 3 दहशतगर्द मारे गए थे। उन दहशतगर्दों के पास से काबिले एतराज सामान भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इसके बाद से पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, जहां सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से तलाशी मुहिम लगातार चलाई जा रही है। आपको बता दें कि इसी के साथ आसपास के इलाकों में भी तलाशी अभियान का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि कल एनकाउंटर में 3 आतंकी मार गिराए थे, जिसके बाद से पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। साथ ही साथ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि डोडा में ये एनकाउंटर किया गया था, जिसमें 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। साथ ही पूरे इलाके में दहशतगर्दों को ढूंढने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। बता दें कि डोडा में लगातार सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। ऐसे में भारी तादाद में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर घेराबंदी की गई है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें भारी तादाद में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ सुरक्षा बलों की तादाद को भी बढ़ाया गया है।